रहमते हक यही महीना है। दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, अल्लाह का एहसान। दिल दिल रमजान की बार भी रमजान के अंदर बाजार को खुला रखिए, होटल्स को खुला रखिए। मुसलमान रोजा रहते हैं सर, सैर करने का मौका दीजिए। और सर लास्टली सर मैं ये कहना चाहता हूँ, पुलिस वाले रात को 12 बजे होटल बंद कर दे रहे हैं सर, बड़ी अच्छी बात है। अगर फर्ज करिए ये 12 के बजाय 1 बजे तक कर देंगे सर, तो शहर हैदराबाद में कोई आदमी खुला नहीं रखेगा सर, 12 के बाद तकलीफ हो रही। सर ये पॉइंट नोट मत करिए सर, इसको ना सिर्फ नोट करिए बल्कि इसका पूरा पूरा जवाब दीजिए सर। थैंक यू सो मच। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खासतौर से मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, वेस्ट जोन में आती है सर, वेस्ट जोन के अंदर रात में 12 बजे के बाद में होटल अगर खुली रखे तो शबे मेराज में जो हर साल खुली रहती है सर, अब की मरतबा ना सिर्फ होटल वालों को लेके जाकर चालान करे बल्कि कई होटल वालों के साथ थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल करे हैं सर। तो मैं आपसे ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ सर, आने वाले टाइम पे शबे बारात है सर, शबे बारात के अंदर ये होटल्स और कारोबार को चालू रखने के लिए जरूर हुकूमत को कहिए सर। रमजान के पहले कुछ ऐसा काम किया जाए कि रमजान में बिला नागा बिला वक्फा बर्की की सरबराही को यकीनी बनाया जाए और खुसूसी इंतजाम के लिए महकमे बर्की को हिदायत दी जाए। दूसरे सैनिटेशन का मसला भी है कि 100 जून में सैनिटेशन बराबर नहीं है और याकूबपुरे में भी स्टाफ नहीं, वहाँ पर कई बरसों से तकलीफ है। ये 100 जून में सैनिटेशन का स्टाफ को बढ़ाना चाहिए और उस सैनिटेशन का बेहतर से बेहतर इंतजाम करना चाहिए। अगर ये काम रमजान से पहले हो जाए तो रमजान के महीने में तमाम लोगों को सहूलत होगी। शुक्रिया। 100 जून के अंदर काफी ज्यादा पावर कट का प्रॉब्लम चल रहा है। मैं आपके जरिए ये भी बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो भी इलाके जात के अंदर है, यहाँ के जो मकामी आला अहदेदार के सामने भी ये तमाम तफसीलात रखे थे, खासतौर से याकूबपुरा, चार मीनार, राजेंद्र नगर, इसके अलावा कई हल्कों के अंदर पावर कट का प्रॉब्लम चल रहा है। मैं आपके जरिए हुकूमत को ये भी बताना चाह रहा हूँ, आने वाले महीने के अंदर रमजान का महीना आने वाला है और आपको अभी से चालू हो रहा है, एडिशनल पानी के टैंकर्स लगाइए सर। एक इलाका है गुंडालछा बाबा बोल के, जहाँ पर ऊपर का इलाका आड़ा पहाड़ बोल के है, वहाँ पर 500 मकानात है, एक पानी की लाइन नहीं है वहाँ पर, एडिशनल टैंकर जो सर। कोई डिसल्टिंग भी स्टार्ट नहीं करे, रमजान आ रहा है उसकी वजह से जगह जगह पोल्यूशन आ रहा है। मैं आपके जरिए हुकूमत से ये कहूंगा कि एयरटेक बड़े एयरटेक मशीन के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एयरटेक मशीन दिया जाए, छोटे एयरटेक मशीन बढ़ाया जाए, लेबर बढ़ाया जाए, लेबर नहीं है तो इसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही काम। एक बार कहीं सीवरेज का कंप्लेन आया तो उसको अटेंड करने के लिए एक एक महीना लग जा रहा, अटेंड नहीं हो रहा सीवरेज का कंप्लेन। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से यही कहूंगा कि आप एयरटेक मशीन दीजिए, डिसल्टिंग के लिए इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन दीजिए और साथ ही साथ लेबर बढ़ाइए। शुक्रिया।